गुड आफ्टरनून जी। बड़ी मसरत की बात है, इधर शहर के शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जेर एहतमाम शाहीन जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स का नीट का रिजल्ट बेमिसाल आया है। ऑल इंडिया का 9th रैंक लेते हुए कार्तिक रेड्डी कर्नाटक स्टेट में फर्स्ट रैंक हासिल किए हैं और ये हमारे लिए पूरी मसरत की बात है। और दूसरी जानी अरबाज ऑल इंडिया का 86th रैंक लेते हुए कर्नाटक स्टेट का 3rd रैंक लाया है। ये बच्चे बीदर का, शाहीन का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किए, जबकि कहा जाता था बीदर एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड है। और आज बीदर में 7 स्टेट्स से 23 स्टेट्स के स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और 7 कंट्रीज के नवाइज भी शाहीन बीदर में पढ़ने आते हैं। शाहीन एक कल्चर का नाम है, एक डिसिप्लिन का नाम है और खास तौर पर गुज़िश्तान 8-10 सालों में शाहीन तकरीबन 1900 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भेजने में कामयाब हुआ। इस साल 400 स्टूडेंट्स हमारे गवर्नमेंट फ्री एमबीबीएस सीट लेने ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट ईयर 327 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ्री एमबीबीएस सीट मिली थी, जो कर्नाटक स्टेट का 8% हुआ करते हैं। और इस साल हम कर्नाटक स्टेट के 10% सीट हासिल कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से परेशान हाल पेरेंट्स फाइनेंशियली परेशान हैं, उनके लिए हम इस साल बहुत ही स्पेशल पैकेज और हमारी इस नीट की कामयाबी की खुशी में ऑफर दिए हैं। हमारे इंडिया भर के 42 ब्रांचेस में 5 करोड़ रुपए की फी स्कॉलरशिप का ऐलान शाहीन की तरफ से किया गया है। स्टूडेंट्स जो अच्छे मार्क्स लाए हैं नीट में, नीट के मार्क्स की बुनियाद पर ये स्कॉलरशिप हमारे ब्रांचेस इंडिया भर के ब्रांचेस में दी जाएगी। और इसी साल वो स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स कोरोना से मुतासिर होकर जिनका इंतकाल हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फ्री एडमिशन नीट के लिए हम बीदर में लिए हैं और इंडिया भर के बच्चों के लिए ये ऑफर कर रहे हैं। और खास तौर पर हैदराबाद में ये बारिश की ज्यादती की वजह से मुतासिर हजरात और वो उनके बच्चे अगर नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, रैंक लाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनकी खुशियों को कोई जो है नुकसान ना हो बल्कि उनको मौका मिलना ही चाहिए। पैसा जो है रुकावट नहीं बनना चाहिए तरक्की में, तालीम के हासिल करने में। इसलिए हैदराबाद के ऐसे मुतासिर स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं और उनकी नीट के मार्क्स ठीक हैं, तो उनको हम 100% स्कॉलरशिप तक देकर उनको मौका देना चाहते हैं। सिखाया जाता है और ग्रुप डिस्कशंस मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत नॉलेजेबल थे, मुझे उनसे हमेशा सीखने को ही मिलता था। बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड सर्कल था, तो जो मेरे दोस्त थे हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, उसमें हम कोई ऐसा अलग अलग नहीं करते थे, हमेशा हम ग्रुप डिस्कशन में सब लोग मिलके एक दूसरे की मदद करते थे। ग्रुप डिस्कशन से आपके डाउट्स और क्लियर होते हैं और आप जिस टॉपिक्स में आपको आप वीक हो सकते हैं उसमें और आप स्ट्रांग हो जाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है दोनों तरफ से। तो मैं शाइन में जो माहौल है और टीचर्स और जो मैनेजमेंट की तरफ से जो सपोर्ट मिलता है, मतलब आपको कुछ चाहिए अगर मटेरियल चाहिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए या टेस्ट पेपर चाहिए, तो हमेशा प्रोवाइड करते हैं। अभी लॉकडाउन अगर दूसरा कोर्स हो तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है कि सिर्फ अमीर का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, सिर्फ डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, ऐसा बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है। मैं खुद का ही एक मिसाल देता हूँ। एक्चुअली माई फादर वॉज ए लॉरी ड्राइवर, लेकिन 5 साल पहले पैरालिसिस की वजह से वो बीमार हुए और काम नहीं कर सकते थे, तो शायद
आगे अच्छे इंस्टीट्यूशन में डालना। पहले ऐसा सुना था कि कोटा में बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं नीट के लिए, लेकिन वहाँ जाना इट वॉज नॉट अफोर्डेबल टू मी। तो मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे से बड़े जो भाई थे उनका एडमिशन किसी जरिए से शाहीन में की, शाहीन मालूम हुआ और शाहीन में एडमिशन कराए। उन्हें जब सेकेंड ईयर में थे तब पैरालिसिस हुआ था, बिल्कुल हमें कुछ ऐसा अंदाजा भी नहीं था, इवन वी डोंट नो व्हाट वाज नीट केसेट एग्जाम था क्या था वो भी तक मालूम नहीं था। माय फादर ही स्टडीड ओनली अप टू 7th स्टैंडर्ड, माय मदर इज इलिटरेट, शी इज अ हाउसवाइफ, सो कुछ भी जानकारी नहीं थी। माय ब्रदर ही सिक्योर्ड स्टेट 25th रैंक इन कर्नाटका, दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। और मेरे पेरेंट्स की जब खुशी देखकर खुद मुझे इंस्पिरेशन मिलता था। अब मेरा भी एडमिशन शाहीन में करा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये पोजीशन ले रहा हूँ। तो फाइनली जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, माय मैसेज इज कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर पैसे की मदद से आप पीछे मत रहें, आपके पास हौसला, जुनून और मेहनत करने का जज्बा है तो बस आप कुछ भी कर सकते हो। यकीनन अल्लाह ताला आपके साथ है और आपकी मदद करेगा और शाहीन के जैसे इंस्टीट्यूशंस आगे भी इंशाल्लाह और बनेंगे जो गरीब बच्चों की मदद करते हैं। और शाहीन की ये खासियत है कि यहाँ एवरेज बच्चा भी टॉपर ला सकता है, क्योंकि 10th का जो परसेंटेज रहता है, दैट परसेंटेज इज नॉट एक्चुअली शोइंग द टैलेंट। 10th में कोई अगर 90% ला रहा है तो इट डजंट मीन दैट ही इज नॉट टैलेंटेड। ये भी तो हो सकता है कि उसे कुछ माहौल ना मिला, कुछ प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से उसका परसेंटेज कम आया। तो शाहीन में रियली देयर इज अ सेक्युलर एनवायरनमेंट, हेल्दी कंपटीशन, फ्रेंडली आपस में फ्रेंडली ग्रुप डिस्कशन, तो यहाँ पे एवरेज टॉपर भी एक टॉपर बन, एवरेज बच्चा भी एक टॉपर बन सकता है। अब यकीनन ऐसा आगे भी होता रहेगा, जो भी फाइनेंशियली वीक है दे कैन बिकम ए डॉक्टर। एंड अगर एक खानदान से कोई एक डॉक्टर बन रहा है तो यकीनन पूरा खानदान भी वो सही हो जाता है, ऐसे खदीर सर भी सिखाते थे हमें, यही मैं कहना चाहूंगा। शुक्रिया। बाद में डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से मुझे, जब मैं कोटा के बारे में मालूम हुआ तो वहाँ पे बहुत ज्यादा फीस थी और वो पूरी फीस एक बार या दो बार में पूरा सबमिट करना था, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मेरे पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने बीएससी में एडमिशन लिया और अपनी नीट की तैयारी को चालू रखा, लेकिन उसमें मुझे कामयाबी नहीं मिली। तो मुझे 2017 तीन बार एग्जाम दिया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिर 2017 में शाहीन के बारे में मालूम हुआ तो सब मैं सर के पास आया और सर ने मुझे एडवाइस किया कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लीजिए और अगर आप रियली डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लीजिए। तो मैं सर की एडवाइस को मानते हुए मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और मैंने एग्जाम दिया, मेरे 333 मार्क्स आए थे। फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट ईयर एग्जाम दिया सेकेंड ईयर के साथ तो 531 मार्क्स आए, लेकिन यूपी में बिलो 14,000 रैंक मिलने पर ही आपको एडमिशन किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल पाता है। इसकी वजह से मुझे लास्ट ईयर की सीट नहीं मिली थी। तो मैंने फिर सर के पास में आया और सर ने मुझे फिर से एडवाइस किया कि आप हिम्मत नहीं हारना, हमेशा हौसला रखना। तो मैंने फिर दोबारा एक बार, ये मेरा 5th अटेम्प्ट के बाद ये मेरा 6th अटेम्प्ट था जब मैंने एग्जाम दिया और इस साल मैंने 663 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 1876 मैंने हासिल किया। इस ये थी 6 साल की जर्नी में मेरा, मेरी फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का, सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और फाइनेंशियली अब्दुल कदीर सर ने सभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हमारे HODs ने अंजल सर और पटेल सर, खाजा पटेल सर और अब्दुल मुकीद सर, हमेशा सभी लोग सपोर्ट करते थे, उन सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और हमारे फ्रेंड्स कार्तिक रेड्डी और अरबाज अहमद और सभी लोग जितने भी हमसे जुड़े हुए थे सभी जब ग्रुप डिस्कशन करते थे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और इसी की वजह से आज मैं रैंक हासिल कर पाया।